नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन की बड़ी खबरों के साथ। 100 दिनों का एजेंडा लिए उन्नाव दौरे पर पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश और जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने कई जगहों का निरीक्षण किया। सभी मंत्री सबसे पहले मोहल्ला आवास विकास के सी ब्लॉक पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से वार्ता करते हुए उनकी शिकायतों को सुना, जिसके बाद तीनों मंत्री शुक्लागंज नगर पालिका में बने गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद तीनों मंत्री सीधे जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान गंदगी देखकर मंत्री का पारा हाई हो गया और मंत्री ने सीएमएस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सीएमएस के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की है? ऐसा है, मैंने उनको हिदायत कर दी, उनको चेतावनी भी दे दी गई और उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया है कि वो बहुत जल्दी वहाँ की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करेंगे। अभी हम ट्रामा सेंटर भी देखेंगे और जरूर चाहेंगे कि ट्रामा सेंटर पूर्ण रूप से। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव में बीते 1 मई को पुलिस की दबिश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की मौत के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है और लगातार सभी दलों के प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह मनराजपुर पहुंचे, जहाँ उन्होंने मृतक निशा यादव के परिजनों से मुलाकात करते हुए घटना की पूरी जानकारी ली, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यहां पर बुलडोजर की राजनीति चल रही है। वह इस मामले पर आप सांसद ने सीबीआई जांच की भी मांग उठाई है। लूट कर रही है, आतंक का अड्डा बन गया है पुलिस का थाना, तो ऐसी स्थिति में न्याय के लिए कहां जाएगा आदमी? खाली ये बुलडोजर पर वाहवाही लूटने के बजाय आदित्यनाथ जी को कानून व्यवस्था कैसे सुनिश्चित होगी, इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप इस पूरे मामले में न्याय तब तक नहीं दे सकते परिवार को जब तक पुलिस की जांच करेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी कल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर चंदौली की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और हमारी मांग है कल से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पे 7 मई को हमारा प्रदर्शन है और हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जाए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। क्योंकि चोर के खिलाफ चोर क्या जांच करेगा, पुलिस के खिलाफ पुलिस क्या जांच करेगी, जो लोग खुद अपराधी हैं वो जांच कैसे करेंगे? इसलिए पूरे मामले की हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जाए और जो भी दोषी लोग हैं वो बाहर कैसे घूम रहे हैं, अगर वो बाहर घूमेंगे तो उनके पास खाकी वर्दी है, पुलिस का रुतबा है, वो जांच को। योगी सरकार 2.0 बनने के बाद से ही सरकार के मंत्री अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाने के साथ ही जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच यूपी के बलिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि एम्बुलेंस में तेल नहीं है जिससे तीमारदार अपने मरीजों को ठेले पर अस्पताल तक लाते नजर आ रहे हैं। और जब इस बारे में सीएमओ से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है, इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो खबर बलिया से सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य समुदायों का हाल बेहाल देखने को मिला है, जहां एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं होने की वजह से जो मरीज हैं उनके परिजन उनको एक ठेले पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि जहां एक तरफ योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक यानी कि स्वास्थ्य मंत्री लगातार अस्पताल पहुंचकर वहां की जो व्यवस्था है वहां का जायजा भी ले रहे हैं, लेकिन उन सबके बावजूद भी अभी तक कई अस्पताल ऐसे हैं जहां सरकार के आदेशों को खुलेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है। जी सर, देखा जा रहा है कि रेवती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को ठेले से ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस वहां मौजूद है और एम्बुलेंस कर्मी का ये कहना है कि
गाड़ी में तेल नहीं है सर, इसका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है सर पूरा मामला? ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, मैंने MOIC रेवती से बात की है और एम्बुलेंस के जो प्रभारी हैं जनपद स्तर पर उनसे भी बात की है। यह गंभीर प्रकृति का अपराध माना जाएगा। जैसा कि मुझे बताया गया है कि उस मरीज को वही एम्बुलेंस लेके आई थी और चूंकि वो रात में बनारस से भी लौटी थी तो उसको तेल का कुछ प्रॉब्लम थी, हालांकि वहाँ एक दो एम्बुलेंस और खड़े थे लेकिन प्रभारी के अनुसार उसने एम्बुलेंस से जाना उचित। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बलिया से हमारे संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस पूरे मामले का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो क्या अभी तक इस मामले का संज्ञान लिया जा चुका है? जी, आपको बता दें यह रेवती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो है जहां 108 एम्बुलेंस में तेल न होने के कारण मरीज को ठेले पर लाद कर ले जाया गया। इसके बाद हम लोग CMO से बात किया तो नीरज पांडे से, तो उनका कहना कि यह जघन्य अपराध है और जैसे जांच चल रही है, जैसे कुछ होगा तो उस पर कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन अखिलेश, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही की वजह क्या रही, जहाँ एक तरफ योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार जो लचर व्यवस्थाएं है उसको दुरुस्त करने में लगी है, तो आखिर इसके जो ये मामला सामने आया है इसमें सबसे बड़ी जो भूल है, जो सबसे बड़ी गलती है, वो किसकी निकल के सामने आ रही है? जी, आपको बता दें जिस तरफ का CMO कहना है कि गलती जांच हो रही है और जिस तरफ के जो भी 108 के एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की लापरवाही साफ नजर आई है, जिसपे वो कहे कि जिसकी भी लापरवाही डॉक्टर हो। एक से पहले एक और घटना घटी है रेवती सामुदायिक केंद्र जहाँ केतकी सिंह ने सांप काटने को लेकर लापरवाही सामने, जिसकी बच्ची की ले जाते जिला चिकित्सालय ले जाते समय उसकी मौत हो गई। उसके बाद वहाँ अखिलेश, जब ये सारा मामला सामने आया तो उस वक्त एम्बुलेंस का ड्राइवर कहाँ मौजूद था? जी, आपको बताते हैं जिस तरह ये घटना घटी तो एम्बुलेंस का ड्राइवर रेवती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे मौजूद था, लेकिन जिस तरह का CMO कहना है कि वहाँ तीन एम्बुलेंस थी लेकिन परिजन को दिया जा रहा था लेकिन परिजन उसको रिसीव नहीं किए, ठेले पे ले गए। ये CMO का कहना है। स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, तो इस खबर पर लगातार आप नजर बनाए रहेगा कि आखिर क्या कुछ आगे कार्रवाई की गई है। तो धन्यवाद अखिलेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलिया में स्वास्थ्य समुदाय की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं होने की वजह से अपने मरीजों को जो परिजन है वो ठेले पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बलरामपुर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पूर्व सपा विधायक और भू माफिया आरिफ अनवर हाशमी का जिला प्रशासन ने करीब 20 करोड़ 25 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया है। साथ ही पेट्रोल पंप और निजी अस्पताल तथा व्यावसायिक भवन भी इसमें शामिल है जिसको जब्त किया गया है। वही पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना ने कहा कि शासन के निर्देश पर गुंडों और माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। 6/5/2022 को UP गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत भू माफिया आरिफ अनवर हाशमी की 20 करोड़ 25 लाख की संपत्ति, जिसमें एक HP पेट्रोल पंप, AJ हाशमी हॉस्पिटल, दो व्यावसायिक भवन व एक अन्य भवन शामिल हैं, को पूर्व किया गया। इसके पूर्व में भी इस शातिर अपराधी की 100 करोड़ की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क की जा चुकी। गाजियाबाद में जिला बदर अपराधियों की सूची तैयार की गई है, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को चेतावनी दी है कि अगर जिला बदर अपराधियों को किसी ने भी अपने घर में जगह दी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ढोल का इस्तेमाल किया और ढोल बजवाने के साथ साथ लोगों को इसकी जानकारी दी है। तो ये खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां अपराधियों को पनाह देने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर पुलिस ने जनता को जागरूक भी किया है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह पुलिस प्रशासन जो है वो जनता को जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा जनता को ये हिदायत भी दी गई है कि अपराधियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्नाव में गंगा नहाने आए 7 बच्चे नदी में डूब गए, जिसके बाद 4 बच्चों की मौत हो गई। वह इन बच्चों की नहाते समय गहराई में जाने से मौत हो गई। बच्चों के डूबने पर चीख पुकार सुन स्थानीय लोग और गोताखोर मौके पर पहुंचे। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 बच्चों को बचा लिया, लेकिन 4 बच्चों की जान नहीं बच सकी। मृत किशोरों के परिजनों का इस पूरे मामले के बाद रो रोकर बुरा हाल है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान घटनास्थल पर सिटी मजिस्ट्रेट, ASP समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने बच्चे को शव को पोस्टमार्टम के लिए भी अब भिजवा दिया है। आज 4 बच्चे कानपुर नगर के स्नान करने के लिए आए थे। उनके डूबने की दुखद सूचना यहाँ पे प्राप्त हुई है। 4 बच्चों की इसमें मृत्यु हो गई है। कानपुर नगर की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के और आगे की विधिक कार्रवाई करा रही है। इस दुखद घटना पर उन्नाव की पुलिस द्वारा मैं सहानुभूति और शोक प्रकट करता हूँ। मोहम्मद जैद। सात लोग नहाने आए थे, हम लोग किनारे पर नहा रहे थे और 4 लोग आ गए थे बीच पे, जहाँ पे गए रहा वहाँ पे नहा रहे थे। एक रेल आई, वहाँ पे रेल के साथ वो लोग बहे और डूब के खत्म हो गए। एक लड़का आया था बचाने, वो भी डूब रहा था, तो ये पल्लू वाले बचा नहीं था। कितने लोग खत्म हो गए? 4। कितने लोग आए थे आप लोग? 7। कहाँ से आए थे नहाने? न्यूरा गाँव, श्याम नगर। सर मोहम्मद हलीम नाम है। कैसे घटना हुई, क्या घटना? ये साहब की 7 लड़के कोठी के पास नहा रहे थे और नहाते नहाते वो गहरे पानी में अचानक चले गए और 7 डूबने लगे। उसके बाद में किसी से 200 बाहर निकल लिया है, एक को जिंदा हमारी टीम के बच्चों ने बचा लिया और 4 वहीं समाप्त हो गए। तत्काल आनन फानन हाजी शकील और मोहम्मद हलीम की टीम आई हमारी गोताखोर और तत्काल 1 घंटे के अंदर में 4 बाड़ियाँ प्राप्त कर। चंदौली में सिकंदरपुर गांव के पास चंद्रप्रभा में नदी किनारे खेल रहे बच्चे को मगरमच्छ ने तालाब में खींच लिया और जिससे बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वह इस पूरे मामले की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस के साथ ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से करीब 5 घंटे बाद बच्चे के शव को नदी से बरामद किया गया। वहीं इस घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चकिया मुगल सराय मार्ग को भी जाम कर दिया। वही मौके पर पहुंचे ADM चकिया के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने इस जाम को खत्म कर दिया। 100 मिला है, क्या है मामला? सिकंदरपुर में एक विजयपुर गांव में सूचना प्राप्त हुई कि दोपहर के आसपास हो सकता है किसी मगरमच्छ ने छोटे बच्चे को शायद अपनी पकड़ में ले लिया हो नहाते वक्त। तत्काल सूचना मिलते ही चकिया SHO को रवाना किया गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार चकिया भी मौके पर पहुंचे, साथ ही साथ वन विभाग के कर्मचारी AB सिंह जी भी, जो हमारे फॉरेस्ट रेंजर हैं, मौके पर पहुंचे। सिंचाई विभाग को भी भेजा गया और NDRF बनारस को भी रवाना किया गया और लगभग 4:30 बजे के आसपास लाश को ढूंढ लिया गया है। बेहद ही दुखद घटना है और सभी परिवार वासियों को, ग्रामीण वासियों को, ये सभी को कहा जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो, इसके लिए उस जगह की सफाई कल से शुरू करवाई जाएगी। साथ ही साथ अगर गांव के आसपास और ऐसे मगरमच्छ होते हैं, पाए जाते हैं, तो कल से जाल बिछा। खबर बरेली से है, जहां अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन ने थाना सिविल लाइन के पुलिसकर्मियों के साथ कचहरी चौराहा, जिला अस्पताल समेत जनपद के मुख्य चौराहों पर पैदल गश्त किया। वही फुट पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस ने इस दौरान जनता के साथ संवाद भी स्थापित किया। साथ ही जनपद में धार्मिक स्थलों, स्कूलों, शॉपिंग मॉल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मनचलों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए व्यापक अभियान भी चलाया गया। तो इस दौरान आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह जनपद में जो पुलिस द्वारा है वो पैदल गश्त किया गया और साथ ही जनता को इस दौरान सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए मौके पर मौजूद लोगों से पुलिस द्वारा संवाद भी स्थापित किया गया। एटा के कासगंज से बारात लेकर दुल्हन की आस में निकले दूल्हे का दोबारा शादी रचाने का प्लान उस वक्त खुल गया जब फेरे होने से पहले ही दुल्हन की भतीजी ने दुल्हन के परिजनों को उसकी पहली शादी की जानकारी दे दी। बस फिर शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया।
जिसके बाद दुल्हन के परिजनों ने दूल्हे और उसके परिजनों को मौके पर ही बिठा लिया। वह इस पूरे मामले पर ग्राम प्रधान दूल्हे को बंधक बनाए जाने की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि शादी तय होने के दौरान जो भी लेन देन हुआ है उसे आपसी सहमति से सुलझा कर पूरे मामले को खत्म कर दिया जाएगा। तो इस वक्त खबर जो है वो एटा से सामने आ रही है, जहां एक दूल्हे की दूसरी शादी रचाने का राज शादी के दौरान ही खुल गया। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस